हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे एम नीट में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यह वीडियो 10th और 12th वालों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने अभी अभी नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें छात्रों को 32 पेज की कॉपी दी जाएगी और आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं, क्या नई गाइडलाइन जारी की है एमपी बोर्ड ने। 10वीं और 12वीं एमपी बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर जारी की गाइडलाइन। परीक्षा में सप्लीमेंट्री कॉपी का उपयोग नहीं कर सकेंगे छात्र। 32 पेज की होगी कॉपी, चिट के लिए वो होगी पेटी। तो एमपी बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है नई। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं का काउंटर शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग भी एग्जाम मोड पर है। इधर मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर संबंधितों की जिम्मेदारी तय करने के लिए साथ ही गाइडलाइन भी जारी की है। इन परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को 32 पेज की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। परीक्षार्थियों को इसी में पूरा पेपर हल करना होगा, उन्हें सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो रही हैं। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, तो अपनी स्टडी पर ध्यान दें। छात्रों को उत्तर पुस्तिका में ओएमआर शीट को काले या नीले रंग के बॉल पेन से तय जगह पर रोल नंबर और अन्य जानकारी पर गोला लगाना होगा। कॉपी में रोल नंबर छिपाने के लिए किसी भी तरह के स्टिकर उपयोग नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर लोहे की पेटी होगी। नकल है तो परीक्षा के पहले इसमें डालना होगी आपको। तो आप नकल ले जाओगे तो उससे पहले केंद्र पर एक पेटी रखी जाएगी, उसमें आपको नकल डालनी होगी पहले से ही। केंद्र अध्यक्ष अन्य स्कूलों के परीक्षार्थियों को बैठाएंगे। केंद्र अध्यक्ष को यह तय करना होगा कि उनके स्कूल में परीक्षार्थियों को अन्य स्कूलों के परीक्षार्थियों के साथ मिश्रित कर ही बैठाया जाएगा। तो बच्चों, आप इस भ्रम में ना रहें कि आपके साथ आपके दोस्त आपके बगल में बैठ सकेगा, यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगले स्कूल का भी बच्चा आपके साथ में बैठने के लिए तैयार है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है एमपी बोर्ड ने। इसी के साथ उन स्कूलों के शिक्षक भी पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं करेंगे जहां के विद्यार्थी संबंधित स्कूलों में परीक्षा देंगे। तो आपके टीचर भी आपके आसपास भी नहीं आएंगे, संबंधित स्कूलों में परीक्षा देंगे। बैठक व्यवस्था 20 से 40 की होगी एक कमरे में। छात्रों के आगे पीछे आजू बाजू एक जैसे सेट के पेपर नहीं दिए जाएंगे। मंडल ने परीक्षा केंद्र पर लोहे की पेटी रखने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी परीक्षार्थी के पास नकल सामग्री है जिसमें गार्ड सेट आदि शामिल हैं तो उसमें डाल सकेंगे। इस पेटी पर यह भी स्पष्ट तय रूप से लिखा जाएगा कि यह पेटी स्वेच्छा से नकल सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रवेश लेने के पहले जमा करने के उद्देश्य से रखी है। गौरतलब है कि अगर परीक्षार्थी कक्ष के भीतर किसी छात्र के पास कोई सामग्री मिलती है तो उस पर नकल का मामला दर्ज होगा। है इस पेपर वह उस पेपर की परीक्षा नहीं दे सकेगा। तो बच्चों, आपको नकल नहीं करनी है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही गेट होगा। परीक्षार्थी केंद्र में एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट होगा। सुरक्षा के लिहाज से ऐसा काम किया जाएगा। मेन गेट पर भी परीक्षार्थियों को तलाशी ली जाएगी। इसी के साथ परीक्षा केंद्र में जो स्टाफ तैनात होगा उसके लिए VI कार्ड जारी किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान सभी को VI कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी हो रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में इन बातों का ध्यान रखें। तो विद्यार्थी, आपको ये बातों का ध्यान रखना होगा। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1 घंटा पहले उपस्थित हों, 30 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में उपस्थित हों। केंद्र अध्यक्ष को परीक्षा शुरू होने के 20 मिनट पहले तक छात्र को परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने का अधिकार होगा। एक्सपर्ट की माने तो एक्सपर्ट का कहना है, एक शब्द सीमा का ध्यान रखें, पर्याप्त जगह होती है। कमला नेहरू CM राज स्कूल की प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने बताया है कि 32 पेजी कॉपी का पूरा पेपर हल करने के लिए पर्याप्त है। पहले सप्लीमेंट्री कॉपी को अटैच करने में परीक्षार्थियों को काफ़ी समय लगता था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी इन बातों का ध्यान रखें।
शब्द सीमा का रखें ध्यान, जितना पूछा जाए उतने ही शब्दों में उत्तर लिखें। कई छात्र सोचते हैं कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। एक ही पेज पर उत्तर समाप्त होने के बाद दूसरे सवाल का उत्तर भी लिख सकते हैं, सवाल नंबर जरूर डालना होगा। तो विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी, इसीलिए आप अपनी शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखें। ज़्यादा आपको ये ना सोचें कि हम ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, शब्द सीमा का बिल्कुल ध्यान रखें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं। तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी एमपी बोर्ड की नई गाइडलाइन का पता चल सके। धन्यवाद।